नमस्ते बच्चों, कक्षा 12 सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान और उसमें लेसन नंबर 3 भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां और प्रतिभाव। बच्चों, लेसन पढ़ने से पहले हमें हमारे देश में कौन कौन सी समस्या है, कौन कौन से फटकार है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबको मालूम है, वैसे 12 प्रकार के फटकार हैं हमारे सामने। पहला, सामाजिक असमानता। दूसरा, गरीबी। तीसरा, निरक्षरता। चौथा, प्रादेशिक असमतुला। पांचवा, भाषावाद। छठा, प्रांतवाद। सातवा, अलगाववाद। आठवा, राजकीय हिंसा, राजनीतिक हिंसा कहते हैं। नौवा, कौमवाद। दसवा, ज्ञातिवाद। ग्यारहवा, नक्सलवाद। और 12वां, आतंकवाद। इस 12 समस्याओं के सामने भारत झूम रहा है। सबसे पहले हमें प्रस्तावना की चर्चा करनी चाहिए। बच्चों, ये लेसन के पहले जो प्रस्तावना होती है वो पूरे लेसन का मर्म होता है, जिसको सार कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं, कि पूरे लेसन में हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। छोटा सा विवरण इंट्रोडक्शन में आ जाता है। बच्चों, एक 3 जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, वो इस लेसन में बहुत ज़रूरी है। पहला, कि सामाजिक असमानता किसे कहेंगे, सामाजिक असमानता किसे कहेंगे, तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर रचायल परंपरागत भारतीय समाज में उच्च नीच का जो ज्ञातिगत भेदभाव कहते हैं, उच्च वर्ण निम्न वर्ण का जो ज्ञातिगत भेदभाव कहते हैं, उसको कहेंगे सामाजिक असमानता। दूसरा, अनुसूचित जाति किसे कहेंगे, जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट, SC कहते हैं जिसको। तो सामाजिक ढांचे में सबसे निम्न स्तर पर जो जाति है, सामाजिक ढांचों में सबसे निम्न स्तर पर जो ज्ञाति है, जाति है, जिसको हम अस्पृश्य कहते हैं, उसे संविधान ने अनुसूचित जाति की उलख दी है। और दूसरा, अनुसूचित जनजाति, जिसको हम ST कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स। तो आपने देखा होगा कि आज भी कई लोग जंगल में रहते हैं, जिसको हम वनवासी कहते हैं, वन में रहते हैं उसे वनवासी कहते हैं। तो आदि जाति, आदिवासी या वनवासी समूह जो समाज के वर्तमान प्रवाह से दूर है, अंतरियाल विस्तारों में है, जंगल पहाड़ी में वसवाट करते हैं, उसे कहते हैं अनुसूचित जनजाति, ST, शेड्यूल ट्राइब्स। बच्चों, 3 मार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं,
सामाजिक असमानता किसे कहते हैं, अनुसूचित जाति किसे कहते हैं, अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं। बोर्ड की एग्जाम में ये आ सकता है। अब हम प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। तो आप सबको मालूम है पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा सफल लोकतंत्र केवल एक देश को ही प्राप्त हुआ है और वो है भारत। वह हमारा गौरव है। 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ ही हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया। लेकिन आज भी लोकशाही की यही वास्तविकता है कि हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता आज भी है। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पछात वर्ग समूहों में असमानता दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक उपाय किए हैं, उसका अमल भी करवाने का प्रयास किया है, तो भी निरक्षरता, प्रादेशिकता, भाषावाद, कौमवाद, ज्ञातिवाद, अलगाववाद, राजनीतिक हिंसा, नक्सलवाद और आतंकवाद भारतीय लोकतंत्र के सामने आज भी पड़कार है। उस पड़कार के सामने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, संशोधन, इंटरनेट और शिक्षा हमारे लिए उपयोगी साधन बन सकता है। भारत में अलग अलग विविधता होने से भी अलग अलग राज्य भाषा के रूप में, पोशाक के रूप में, खान पान के रूप में, त्यौहार के रूप में, सभी जगह विविधता है अलग अलग, तो भी विविधता में भी एकता, अनेकता में एकता, वही हमारे भारत की सही पहचान है। कुदरती आपत्ति के सामने, विदेशी आक्रमण के सामने भारतीयों ने एकजुट होकर इसका सामना भी किया है। बच्चों, आज से हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। लेसन 3, पेज नंबर 35। पहला प्रश्न जो है 5 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है कि भारत में किस तरह सामाजिक असमानता पाई जाती है और उसे दूर करने के लिए संवैधानिक उपायों की चर्चा कीजिए। तो कैसे चर्चा करेंगे? तो उसका आंसर, तो भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर है। वर्ण व्यवस्था में निम्न जाति जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पछात वर्ग सामाजिक असमानता का भोग बने हैं। जातिगत पूर्वग्रह, आर्थिक असमानता और शिक्षा में पछात जो लोग रहे हैं वो उसका मुख्य कारण है। समाज में दिख रही ये असमानता को दूर करने के लिए हमारे संविधान ने और सरकारों ने
कई प्रयास किए हैं और उसमें सबसे पहला है समानता का हक जो संविधान ने हमें दिया है। तो भारतीय संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का हक दिया गया है। समानता सभी नागरिकों के लिए एक समान है और सबको इस समान रक्षा भी लेने का अधिकार दिया है। संविधान के मुजब राज्य, ज्ञाति, जाति, लिंग, जन्मस्थल या धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज़ादी के समय में भारतीय समाज में पानी के कुएं, रास्ते या जाहिर तालाब नदी पर ऐसा भेदभाव देखने को मिला था, लेकिन अभी ऐसे भेदभाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, अस्पृश्यता को असंवैधानिक जाहिर करना। हमारे समाज में कई जातियों को अछूत कहा गया है और उसके कारण धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध, उन ज्ञातियों को चौकस कार्य ही करने हैं, व्यवहारों में उसको दूर रखना है, ऐसा चलता था। कई कायदे उसके लिए बने हैं तो भी संपूर्ण अस्पृश्यता का पालन नहीं हो सका है। आज भी गांव में कि नीची ज्ञाति के लोग केवल साफ सफाई का ही काम करते हैं, रोड रास्ते साफ करने के काम करते हैं, कोई अच्छी जगह जा नहीं सकते, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, आज भी है। जैसे ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है तो जाति के आधार पर हमें बंटवारा नहीं करना चाहिए। तीसरा, जंगल की संपत्ति पर आदिवासी का हक। बच्चों, बरसों से आदिवासी लोग जंगल में अपना जीवन गुजार रहे हैं, जंगल की रक्षा की उन्होंने, बाकी लोग वहीं पे भी फैक्ट्री बना देते लेकिन उन्होंने उसकी रक्षा की है। विकास के नाम अनुसूचित जनजाति अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वन प्रदेश में परंपरागत संस्कृति मूल्य के सामने अनेक पड़कार खड़े हुए हैं। परिणाम, आदिवासी विस्तारों में से प्राप्त होती जो कुदरती संपत्ति है उस पर सबसे पहला हक आदिवासियों का है। इसलिए अनुसूचित जनजाति स्पेशल, उनको ये अधिकार दिए गए हैं शेड्यूल ट्राइब से तहत कि जंगलों पे आदिवासी लोगों का ही अधिकार है, वहाँ पे ना कोई इंडस्ट्री जा सकती है, ना कोई बड़े बड़े बंगले मकान बन सकते हैं, क्योंकि वो जंगल की रक्षा करते हैं। चौथा, अनामत। ये सब असमानता को दूर करने के लिए है।
आदिवासी लोग भी ऊपर उठ आए, एससी लोग भी ऊपर आए, एसटी लोग भी ऊपर आए, अनामत कोटे से भी जो लोग हैं वो भी ऊपर आए, एक समान अधिकार सबको मिले। तो सामाजिक असमानता का भोग जो बनता है, इसके परिणाम उसको शिक्षा और विकास की जो तक है उसका अभाव होता है। इसके परिणाम संवैधानिक सुधारों के माध्यम से शैक्षणिक क्षेत्रों में, सरकारी नौकरियों में संविधान ने अनामत प्रथा दाखिल की। परिणाम शैक्षणिक संस्थाओं में सरकारों ने शिष्यवृत्ति देकर उन लोगों को प्रोत्साहित किया, आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उन लोगों में शिक्षा का जो निम्न स्तर था वो स्तर सुधारने का प्रयास किया। सरकारी नौकरियों में भी आज एससी एसटी और ओबीसी अनामत कोटा रखकर उनको ऊपर लाने का प्रयास किया गया है। राजकीय क्षेत्र में भी ऐसी जातियों का प्रभुत्व मिलता है। परिणाम सामान्य चुनाव में भी लोगों के आधारित, अगर कोई कस्बा है तो उसको भी अनामत सीट रखी गई है। पांचवा, अन्य सरकारी योजनाएं, तो विविध सरकारों ने सामाजिक रूप से पछात वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हित उत्पन्न करने के लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं बनाई हैं। वर्तमान समय में संवैधानिक अमल के माध्यम से सामाजिक दर्जा में परिवर्तन लाके कई सारी योजनाओं का लाभ आज भी उन लोगों के मिले, इसीलिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं है, आज भी उस दिशा में उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए आज भी देश को, सरकार को, समाज को बहुत सारा काम करना बाकी है। और मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ, एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि नात जात ज्ञाति धर्म के भेदभाव में हम न आए, ना चुनाव के समय में भी आए ना आम समय में भी आए। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, कुदरत ने हमारा निर्माण किया है, हमें आगे बढ़ना है और लोगों को आगे बढ़ाना भी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा जो प्रश्न है, भारत में साक्षरता वृद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों की चर्चा कीजिए, तो वो आपको बताता हूँ। तो साक्षरता के लिए कई सरकारों ने प्रयास किए, लेकिन आज भी केरल के सामने बाकी राज्यों की जो नीति रीति है वो अलग है। कई समृद्ध राज्य होने से भी शिक्षा के रूप में देखें तो उनका
जो रेटिंग कार्ड है वो डाउन हो जाता है। केरल आज भी टॉप पर है, कैसे है वो जानना भी जरूरी है।